शाहजहांपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां नमकीन बनाने की फैक्ट्री में कार्य कर रहे एक मजदूर की कचरी बनाने की मशीन में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर का शव घंटों मशीन में फंसा रहा। कटर से मशीन को काटकर बड़ी मशक्कत के बाद मशीन से मजदूर के शव को बाहर निकाला जा सका। फैक्ट्री पहुंचे परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर उपस्थित पुलिस बल ने समझा बुझाकर परिजनों को किया शांत। नमकीन फैक्ट्री में दर्जनों नाबालिग बच्चों से करवाई जाती है मजदूरी। फैक्ट्री स्वामी द्वारा 8 घंटे की जगह 12 से 14 घंटे तक लिया जाता है काम। नाबालिगों से काम फिलहाल पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही परिजन फैक्ट्री स्वामी पर घटना की सूचना नहीं देने के साथ ही लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बताते चले कि जनपद के रोजा थाना क्षेत्र अटसलिया में स्थित मनपसंद नमकीन फैक्ट्री में कार्यरत एक मजदूर की उस समय दर्दनाक मौत हो गई जिस समय वह नमकीन बनाने की मशीन के पीक पे मैदा भर रहा था कि अचानक उसका हाथ मशीन में फंस गया तो वह अंदर खिंचता चला गया जिससे मजदूर का शव छत विछत हो गया। किसी तरह आनंद फानंद में कटर मंगवाकर मशीन को काटकर कचरी बनाने की मशीन में फंसे मजदूर के शव को बाहर निकाला गया। इसी बीच फैक्ट्री पहुंचे मजदूर के परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और अपने बेटे को पैकिंग व नौकरी देने की बात कहकर अचानक मशीन पर लगाने का आरोप फैक्ट्री स्वामी पर गढ़ा। परिजनों का साफ कहना है कि जब तक उसे ट्रेंड नहीं किया गया तो उसे मशीन पर क्यों लगा दिया गया जबकि हमारा बेटा नमकीन फैक्ट्री में पैकिंग का कार्य करने के लिए गया था। मौके पर उपस्थित भारी पुलिस बल ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और छत विच्छेद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि परिजनों की तरफ से अभी भी कोई तहरीर नहीं दी गई है जबकि मृतक निखिल गुप्ता उम्र 16 वर्ष की मां का रो रो कर बुला हाल है। वहीं मृतक निखिल गुप्ता के पिता संजू गुप्ता ने बताया कि भी हाल ही में एक बार भी नहीं हुआ है कि हमारा बेटा नमकीन फैक्ट्री में पैकिंग का कार्य करने आया जबकि उसे वहां पर मशीन चलाने का कार्य करवाया जा रहा था। अभी तो हमारे बेटे को तनख्वाह भी नहीं मिली थी जबकि मृतक की मां का रो रो कर फैक्ट्री प्रबंधक पर घटना की सूचना नहीं देने का आरोप लगाया है। मनपसंद नमकीन फैक्ट्री में दर्जनों की तादाद में नाबालिगों से पैकिंग से लेकर खतरनाक मशीनें चलाने का कार्य करवाया जाता है। फैक्ट्री के ही एक कर्मचारी ने बताया कि यहां दर्जनों के हिसाब से नाबालिग बच्चे काम करते हैं। हालांकि किसी प्रकार की कोई तहरीर न मिलने पर पुलिस प्रशासन भी कुछ बोलने से बच रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा संजय कुमार गुप्ता। संजय जी बताइए, जिसकी डेथ हुई ये लड़का आपका था जी? क्या कैसे कुछ घटना हुई, कुछ जानकारी है? घटना क्या, यहाँ काम करने आया था पैकिंग के लिए जी, अब यहाँ बाजार मशीनों पर लगा दिया उसे, मशीनों पर घटना हो गई भैया। अच्छा, पैकिंग के लिए नौकरी पर रखा और मशीन पर लगा दिया उसको? जी जी। यानी ट्रेनिंग उसको मिल दी नहीं? और अभी एक महीना तो वही काम करते हुए, एक दिसंबर से लगा यहाँ। अच्छा अच्छा, तो किस कैसे क्या किसे दोषी मानते हैं? दोषी फैक्ट्री गलती है और क्या। अच्छा अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? अब जैसा होगा देखा जाएगा भाई, और क्या। जब उन्होंने कैसे पता चला आप लोगों को? जब इनके संग लड़का आता है, हम उनके ही आगे हम भैया तुम्हारो भैया आएगा कहीं ना आए भाभी आओ, तो उन्हें बिक्की लेके देखे नहीं है ना आए, इन लोगों ने घुसन ना दो कहीं कोई चोट लग गई। जब बहु लड़का बिक्की लेके तब ही आगे कोई हराम जादो नहीं करी जाओ तले कोई नहीं फोन ना ही करो तो बतावा बात बतावे नहीं। कितने दिन हो गए यहाँ नौकरी करते? एक महीना केवल, पहली तारीख एक महीना बहुत, हमें तारीख नहीं डाल डाल दे। अर्पित ये बताओ, ये जो मशीन चल रही थी इस पे आप भी काम करते हो? जी मैं भी करता हूँ। अच्छा, तो कब से काम करते हो यहाँ? मुझे इस प्लांट में तो हुआ है अभी एक महीना हुआ है। अच्छा। और इस फैक्ट्री में मुझे 8 महीने हो गए। 8 महीने। ये जो लड़का जिसकी डेथ हुई ये तुम्हारे साथ काम करता है? मेरा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त है, क्या नाम था इसका? निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता, तुम्हारी क्या डेट ऑफ बर्थ है? मेरी 12/7/2003। 12/7/2004। 12/7/2004 ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी? जी। तो आप तो नाबालिग को कैसे यहाँ फैक्ट्री में रख लिया गया आपको? जब मैं शुरुआत में आया तो लगा तो मुझे भी लगा लिया गया। अच्छा अच्छा ठीक। ये बताइए, इस फैक्ट्री में क्या नाबालिग बच्चे कितने लगभग काम करते होंगे? 25-30 के करीब करते होंगे हम। 25-30 जी बच्चे हैं? जी हाँ। अच्छा, दिखने में तो बच्चे ही लगते हैं। अच्छा अच्छा, तो फैक्ट्री स्वामी उनसे क्या काम लेते हैं? काम के लेते हैं, नमकीन बनती है तो वो नमकीन में बनाते हैं और लोडिंग भी करते हैं। अच्छा, और जहाँ काम जैसे मुरीम लगाते हैं कहीं भी लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा, सुपरवाइजर लगाते हैं कहीं काम करा दे। अच्छा, कितना पैसा देते हैं तुम लोगों को यहाँ? फैक्ट्री यहाँ 200 रुपए है। अच्छा, और हम जहाँ भी कर रहे थे वहाँ पे 233 है। अच्छा, तो कितने घंटे काम लेते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे कोई जरूरी नहीं है, 13-14 हो सकते हैं यहाँ। यहाँ 13-14 जो ओवर टाइम काम करवाते हैं उसका पैसा देते? नहीं 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 देते, कोई पैसा नहीं उसका। काम पूरा होने के बाद छुट्टी होगी।
अच्छा, जब तक काम नहीं पूरा होगा तब तक छुट्टी नहीं होगी। घंटे कितने भी हो जाएं? घंटे कितने, जल्दी कर लो। R9 भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।